बंगाल में कोल्ड में आलू का बैलेंस नजर में आ रहा है हर रोज। वर्तमान पे बैलेंस आलू ज्यादा दिख रहा है बंगाल में, क्योंकि बंगाल में ट्रक मालिकों का जो एसोसिएशन है वो लोग स्ट्राइक कर रहा है, जिसके कारण बाहर के लिए आलू लोड होना पूरा बंद है। कल शुक्रवार तक चलेगा ऐसा स्थिति। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटेटो हिंदी। अभी हम आलू का ग्राउंड रिपोर्ट करने आज आ चुके हैं। 12 तारीख 12 सितंबर 2024 हुगली जिले की गोघाट पुलिस स्टेशन अंडर की खाटूल गांव पे, तो यहां पे हम लोग उपस्थित है माँ बामेश्वरी हिमघर पे। दोस्तों यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे साथ है कुछ किसान और कुछ आलू व्यापारिया। अभी हम इन लोगों से गोघाट पुलिस स्टेशन अंडर में जो खाटूल गांव है यहाँ में आलू का वर्तमान स्थिति क्या है, ये हम जानेंगे। नमस्कार दादा। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सैफुल खान। दादा आप किसान है कि व्यापारी है? किसान व्यापारी दोनों ही। अच्छा, तो दादा ये जो आलू दादा के हाथ में है बढ़िया क्वालिटी वाला आलू है, ये ज्योति आलू है? है ज्योति, ज्योति। इसका रेट क्या है आज? आज का इधर चासी का दाम मिलता है आज का 800 रुपया बोरी। बॉन्ड? बॉन्ड। बॉन्ड। और रेडी? रेडी। रेडी का क्या? रेडी का 1000 से 1010। गड क्वालिटी का? गड। और डाला का काम नहीं होता यहाँ पे? डाला नहीं होता इधर। अच्छा, मार्केट आज क्या हाई की तरफ है क्या डाउन है या सेम है? डाउन, डाउन ही पकड़िए। डाउन, डाउन ही है। हाँ। अच्छा, और जो छोटा छोटा जो आलू होता है गुल्ला वाला, काट पीस, माजला, इसका क्या रेट है यहाँ पे? छोटा हमारा तो गुल्ला नहीं होता इधर, गड़ होता है, कैटी होता है। कैटी का भाव अभी बिक नहीं रहा है। कैटी, कैटी बिक नहीं रहा है? क्यों? स्टोर में रिलोड हो जाता है, अभी कैटी लोड नहीं हो रहा। आपकी ये जो कोल्ड है, इस कोल्ड पे बैलेंस आलू कितना पड़ा है? इस बामेश्वरी कोल्ड पे कितना बैग होगा? के आसपास, परसों से। कितना बैग होगा? 1800। 1800 के आसपास बैलेंस आलू पड़ा है। और सिर्फ आज कितना आलू निकला है? आज निकला है 1500। 1500। ये बैलेंस आलू कब तक बिक जाएगा टोटल? मालूम नहीं होगा, धीरे 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 बिकेगा। और ये भी तो आज बिक्री होगा या फिर अभी तक सवाल बिका नहीं? अभी तक बिका नहीं है। आलू চাষীদের নির্ভরযোগ্য আলু বীজ ব্র্যান্ড রঞ্জিত থিন ফার্ম কৃষকদের প্রথম পছন্দ। রঞ্জিত সিং টিএফ মার্কা বীজ, সুস্থ ফসলের গ্যারান্টি, কৃষকের সন্তুষ্টি। পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে রঞ্জিত থিন ফার্ম, জলন্ধর, পাঞ্জাব। মোবাইল নাম্বার 9915225757 অথবা 9417347738। अभी बाजार मंदा होने का कारण क्या लगता है आपको? देखिए, मंदा होने का कारण एक तो बाहर आलू कम जा रहा है इधर बंगाल से, खरीदार भी कम है, बाहर से आलू आ रहा है, यूपी से आलू ज्यादा आ रहा है। हम लोग का जो मुकाम था उसमें यूपी से आलू ज्यादा आ रहा है बोल रहे हैं। कौन कौन से मुकाम पे जाती है आपकी खाटूल गांव से आलू? यहाँ से ज्यादातर उड़ीसा जाती है और थोड़ा बिहार झारखंड भी जाती है, अभी नहीं जा रहे। इन मुकामों पे दूसरी मुकाम से आलू जा रहा है, इसलिए बंगाल का आलू का सेल डाउन है? इसीलिए डाउन है। अच्छा, ये जो ट्रक मालिकों का जो संगठन है, ट्रक मालिकों ने स्ट्राइक कर रहा है, जिसके कारण क्या बैलेंस ज्यादा हो गया है कल से? नहीं, खाली ट्रक का ऊपर नहीं है, खरीदारी भी कम है। खरीदार भी कम है, कम है। सिर्फ स्ट्राइक नहीं, उसके साथ साथ खरीदार भी कम है, जिसके कारण लगता है कि बिक्री वाटा डाउन है। डाउन है। চাষীদের একমাত্র ভরসা জোশন ফার্ম। জ্যোতি হোক বা পোকরাজ, হিমালয়নী হোক বা সুপার সিক্স, সব ধরনের আলু বীজের বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড জোশন ফার্ম। রোগমুক্ত আলু বীজ, ফলনের রাজা, গুণগত মান ও দক্ষতার সাথে তৈরি নাম্বার ওয়ান বায়োটেক আলু বীজের নাম জোশন ফার্ম। যোগাযোগ জোশন ফার্ম বাই বিল্লা জোশন 9417292279 অথবা প্রভুজিৎ সিং জোশন 9464971504। আচ্ছা, ये तो हम गोघाट पुलिस स्टेशन अंडर में है इस वक्त बामेश्वरी पे, तो हम प्लीज हमें बताइए आपके टोटल जो आपकी गोघाट में जो 14 कोल्ड है कितना हिस्सा लोड हुआ था और 31 अगस्त तक कितनी आलू निकासी हो चुकी है, उसका जो लिस्ट आपके हाथ में है थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। लोड हुआ था 49,33,138 बैग, खाली हुआ है 22,71,228 बैग। कौन सी कोल्ड से कितना निकला है बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? पहले से शुरू कीजिए। कंकाली स्टोर में निकला है 1,13,000 बैग, माँ बामेश्वरी 2,00,000 बैग,
सबुज साथी 1,94,000, चित्तरंजन 2,11,000 पैकेट, रूपसी बांग्ला में निकला 1,25,621 बैग, मुक्ति फार्म में निकला 1,40,000, अच्छा हरा धन कस्टर्ज में निकला 87,164, राधा दामोदर में निकला 2,26,443 बैग, नोलिनी निकला 2,30,000, पोदर कोल्ड स्टोर में निकला 96,000, भिगदास कोल्ड स्टोर में निकला 1,31,800। परसेंटेज कितना आता है? परसेंटेज आता है आपका 46, पिछले साल 0.04%। पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा है कि कम है? पिछले साल से ज्यादा है। पिछले साल जो हुआ था उससे निकासी ज्यादा है? ज्यादा है। अगर बॉर्डर बंद नहीं होती तो निकासी और भी अच्छी होती। और भी अच्छी होती। 50% निकल जाता है? 50% से ज्यादा हो जाता नहीं, 50% से भी ज्यादा निकासी हो जाती है। পঞ্জাবের উন্নত মানের এক নম্বর বায়োটেক আলু বীজ কং এগ্রিফার্ম, কুফরি জ্যোতি, পোকরাজ, হিমালিনী, চন্দ্রমুখী সুপার সিক্স, কুফরি উদয় 7008, মোহন, সঙ্গম খ্যাতি ও সুখ্যাতি আলু বীজের বুকিং চলছে। এখানে ব্রিডার এবং বায়োটেক টিস্যু কালচারের মাধ্যমে আলু বীজ উৎপাদন করা হয়। কং এগ্রিফার্ম, কং কোল্ড স্টোর, লালিয়া কালান, জলন্ধর, পঞ্জাব। फोन नंबर 9915119511। अच्छा ये जो आलू आज जो यहाँ पे छोटा गाड़ी में आलू लोड नहीं होता यार, यानी लोकल की मुकाम पे आलू नहीं, हम लोग का इधर से कोई बंगाल के अंदर आलू नहीं जाता, सब बंगाल के बाहर जाता। जो भी आलू जाता है वो मेनली बंगाल के बाहर जाता है। तो बंगाल में तो हम लोग देख पा रहे हैं कि गिरावट ही गिरावट नजर आ रहा है हर रोज मार्केट। एक तो ज्यादा दिन स्टेबल रह जाती है या फिर गिरावट होती है, क्या लगता है कि इस साल और मार्केट नहीं बनेगा बंगाल में, क्या लगता है आपको? तो मेरे हिसाब से जो आलू अभी जो भाव है इसे स्टॉक भी बढ़ गया है अभी, तो इस हिसाब से आलू बढ़ने की कोई अभी चांस नहीं है। अभी बढ़ने का आलू का कोई चांस आपको नहीं दिख रहा है? आप तो खुद किसान भी है, आपका आलू है कि आप बेच दिया? नहीं तो, कुछ बेचा है कुछ अभी है। अभी जो आलू है एक पैकेट आलू का, आप लोग जो बॉन्ड कहते हैं सिर्फ नंगे आलू का भाव, बॉन्ड का भाव कितना होगा तो आप बेचेंगे, ऐसा मन है, मन में सोच है? देखिए जब हम आलू पहले स्टोर पे भरा है तो उस टाइम भी दाम था 750 से 800 के अंदर, अभी तो वही दाम वापस आ गया, इसीलिए थोड़ा टाइम देखते हैं कि बाद में क्या। 850-900 अगर होगा तो भी अच्छा होगा। अच्छा इधर खेती बाड़ी कब से स्टार्ट होगा बंगाल में? आपकी जो लोकल में पुकरा जालू का खेती होता है, पुकरा जालू का खेती कब से स्टार्ट होगा इधर गोघाट में? ये इलाका में हम लोग पुकरा नहीं लगाते, जो भी चास होता है ज्योति। गोघाट में कहीं पे भी पुकराज नहीं होता? कुछ कैसा होता है कम तो हमारा जिन क्षेत्र पे होता है उन मुकामों का मैं बात कर रहा हूँ कि कब से स्टार्ट होगा, ऑल ओवर गोघाट की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसा टाइम पे होता है वैसे टाइम पे स्टार्ट होगा आपका दुर्गा पूजा? नवंबर का लास्ट आपका दुर्गा पूजा, अक्टूबर का लास्ट, अक्टूबर की अंत पे नवंबर फर्स्ट वीक आफ्टर दुर्गा पूजा। अच्छा हमारी जो दर्शक है जो लोग गुजरात से, पंजाब से, यूपी से हमारा ये चैनल देखता है, खास करके जो नॉन बंगाली लोग हैं जो बंगाल की बाहर रहते हैं, उन दर्शकों को आप क्या वार्ता देना चाहेंगे? आपके हाथ में भी आलू है, आप सोच रहे हैं कि ज्यादा भाव होगा तो आलू हम बेचेंगे, उन किसानों के हाथ में भी आलू है। हम लोग जानते हैं कि यूपी में बोली लगती है, बंगाल में ऐसा नहीं होता, यूपी में बोली लगती है, जिसका आलू वो अपनी इच्छा से आलू बेचता है, उन किसानों को व्यापारियों को क्या वार्ता देना चाहेंगे आप? देखिए जिस व्यापारी किसान किसी के हाथ में जो भी जैसा आलू है कुछ कुछ के बेच के निकलना, ऐसा ही मैं हम समझता हूँ। आप लोग बोल रहे थे बंगाली वीडियो में, हमारा जो नजरुल दा है वो बोल रहे थे कि आप भी बोल रहे थे कुछ दिन कुछ वक्त पहले कि मुकाम हाथ से निकल गया, कि आप लोग जिन जिन मुकामों पे आलू बेचते थे उन मुकामों पे अभी बिक्री वाटा कम है, उन मुकामों पे दूसरी स्टेट से आलू जा रहा है, जिसके कारण आपकी जो बंगाल का जो आलू है इतना बड़ा क्वालिटी का आलू आप लोग देख पा रहे हैं, इतना बढ़िया क्वालिटी है और ये भी गढ़ में, फिर भी सेल डाउन है, तो इसका मेनली कारण क्या है? सिर्फ बॉर्डर क्लोज होना या फिर और भी कोई कारण है? हम लोग का इधर जो आप बड़ा आलू देख रहे हैं, कैमरा थोड़ा नीचे डालिए, ये आलू आप एक बोरी में 50 किलो में आप ऐसा आलू कितना मिलेगा, आपका क्या अंदाज हो रहा है? कम होगा, 10 से 12 किलो निकलेगा, बाकी देखिए सब छोटा मोटा भी है, मीडियम है, गुल्ला है, भी है एक एक और इससे भी छोटा है, ये जो ये वाला गुल्ला, ये मेनली कहाँ बिकता है? ये छोटा वाला अभी स्टोर में रीलोड होता है, अभी नहीं जा रहा है बीजा के लिए। बीजा के लिए
अच्छा, ये जो कोल्ड है आपके यहाँ पे जो बामेश्वरी, हम जिस वक्त इस वक्त गुवाहाटी की जिस कोल्ड में है, इसमें अभी जो जितना भी आलू है इसमें से कितनी परसेंट किसान का होगा और कितनी परसेंट व्यापारियों का होगा? 50-50 है। 50-50 है, जो भी आलू बचा है उसका 50% किसान का है, व्यापारी का आलू है। ओके, तो दादा बहुत बहुत धन्यवाद आपको, साथ में आप सभी को हमारे इंडिया पोटैटो की ओर से आपकी गोघाट मुकाम की आलू के बारे में तमाम जानकारी हमें बताने के लिए। थैंक यू दादा आपके। तो दोस्तों आज का रिपोर्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। दोस्तों कल से हम लोग 2-3 दिन के लिए छुट्टी में रहेंगे, लगता है आपसे सोमवार हमारी मुलाकात होगी। सोमवार से आप लोगों को फिर से हम आलू का जानकारी, दादा आलू का जानकारी हम आप लोगों को दिखा पाएंगे। तो दोस्तों आज का रिपोर्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट पे बताइए जरूर, और बंगाल और यूपी का हर दिन का आलू का जानकारी हर रोज प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया पोटैटो हिंदी चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना। जय हिंद, जय किसान।